बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश, इंग्लिश 201 के लेसन नंबर 12, प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में राना अरसलान अली। आज हम ज़रा सी सेवन सीज हमने समझ ली है, वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलकर बात करने लगे हैं बिजनेस मैसेजेस कैसे प्लान करते हैं, कैसे लिखते हैं, बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, मेमोज कैसे लिखे जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बिजनेस मैसेजेस के हवाले से। बिजनेस मैसेज कंपोज करने के 10 सेपरेट स्टेजेस है, जिनको हम 3 सिंपल कैटेगरीज में फॉलो करवा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो 3 कैटेगरीज है प्लानिंग, कंपोजिंग और रिवाइजिंग। अगर हम बात कर ले प्लानिंग की, तो प्लानिंग में 4 स्टेजेस आती है। सबसे पहले आपका पर्पस क्या है लिखने का, क्या वजह है, आप क्यों लिख रहे हैं, आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपका मेन आइडिया क्या है, आपका चैनल और मीडियम क्या है, कहाँ से भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं। ये होता है चैनल और मीडियम, ये आपकी 4 चीज़ों की प्लानिंग। 2 अगले स्टेजेस है जो कि कैटेगरी 2 में आ रही है, कंपोजिंग। कंपोजिंग में आपने अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है और फिर उसको फॉर्मुलेट करना है। तीसरी कैटेगरी है रिवाइजिंग, इसमें भी 4 कैटेगरीज 4 स्टेजेस आ रही है, तो टोटल 10 स्टेजेस हो गई। पहली स्टेज है एडिट द मैसेज, रिवाइज करते हुए मैसेज को एडिट करना, रीराइट करना, प्रोड्यूस करना और फिर प्रूफ रीड करना भी रिवाइजिंग में आता है। तो ये 10 स्टेप पूरे करने के बाद आपका एक बिजनेस मैसेज तैयार हो जाता है। कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं बिजनेस मैसेज को लिखने के लिए। सबसे पहली गाइडलाइन है शार्पिंग योर स्किल्स, आपके जो स्किल्स हैं उनको बेहतर करें। वो किस तरह से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें, अपने पर्पस का आपको पता होना चाहिए, अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए आपको, एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें और लिखने से पहले एक आउटलाइन बना लिया करें कि मैंने क्या क्या बात इसमें डिस्कस करनी है। स्टार्ट करें, पहले मिडल लिखे, ठीक है, और देखिए जो मुश्किलात है आपके लेटर में उनको ज़रा बाद में लिख लें। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, पहली दफ़ा लिखते वक्त आपको ऐसे ही लिखा जाएगा, बाद में उसकी ये पहला स्टेप है। अब 9 स्टेप से इसने गुजरना है, ये बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सबसे मुश्किल काम होता है स्टार्ट करना। हम स्टार्ट करते हुए ही घबराते हैं, पहले लफ्ज़ क्या लिखूँ, पहले क्या लिखूँ। तो वो कह रहे हैं कि पहले आप मिडिल वाला हिस्सा लिख लें, शुरू वाला बाद में लिख लेना। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है वो कंपोजिंग प्रोसेस में बड़ा अफेक्ट करती है। जैसा आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कितना अच्छा आ गया है प्रोडक्टिविटी के लिए, कितना तेज़ वो काम करता है। इसी तरह जो डॉक्स है वो भी बड़ा अच्छा काम करता है। कोलेबरेशंस से काम होता है, यानी जब आप एक लेटर लिख रहे हैं तो एक बंदा ही एक लेटर नहीं लिखता, पूरी टीम होती है एक लेटर लिखने के लिए। तो ये पूरी टीम मिलकर काम करती है, एक जो है वो कंपोज करता है, एक उसको फॉर्मुलेट करता है, एक उसको प्रूफ रीड करता है, एक उसको रिवाइज करता है। तो ऐसे एक पूरी टीम होती है जो कोलेबरेशन के लिए बनाई गई होती है। स्केजुलिंग, स्केजुलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको एक स्पेसिफिक टाइम रखना पड़ेगा, उस टाइम में ही आपने लेटर लिखना है ताकि आप फोकस होकर उस टाइम में काम कर सकें। तो ये टाइम बेशक शॉर्ट भी हो लेकिन आपने स्टिक उसी के साथ रहना है काम करते वक्त। सबसे पहले तो आपको अपने पर्पस का पता होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं, क्या वजह है, आप क्या चाहते हैं अगले बंदे से, कि वो क्या इंफॉर्मेशन आप उसको देना चाह रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन कितनी तरह की होती है इसको भी ज़रा आगे चलकर बात कर लेते हैं। सवाल ये कि हमें क्लियर पर्पस क्यों चाहिए। क्लियर पर्पस इसलिए चाहिए, जब तक हमें पर्पस का ही पता नहीं होगा तो हम एक फैसला कैसे करेंगे। यहाँ जब तक हमें एक मेन पर्पस पता ही नहीं होगा तो अगला बंदा, जब अगले बंदे को समझ नहीं आएगी हमारे मेन पर्पस की, तो वो हमारे साथ डील क्यों करेगा, वो हमारे साथ बात क्यों करेगा। तो इसलिए मेन पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आमतौर पर बिजनेस में मेन पर्पस क्या होता है, टू गेन प्रॉफिट, ठीक है, टू अपनी एसेट्स को बढ़ाना, ठीक है, या आपस में एक दूसरे के साथ कोलेबरेशन करना किसी एक काम के अंदर। डिसाइड वेदर टू प्रोसीड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये भी आप फैसला करें लिखने से पहले कि यहाँ लिखते वक्त या लिखते आपको ये फैसला करना पड़ेगा उस खत के मुताबिक कि आपने प्रोसीड कब करना है। एक तो आपने मैसेज लिख दिया है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो थ्योरी है, उसको आपने एक प्रैक्टिकल पर्पस भी बताना है, प्रैक्टिकल भी बताना है उसको कि हम इस पॉइंट को जो मैंने आपके सामने पेश किया है इसको प्रोसीड कब करेंगे, इसको कब अमल में लाएंगे, हमारा प्लान क्या है। अपनी ऑडियंस को रिस्पॉन्ड करें, ये बात जहन में रखिए कि आपका मैसेज जो आप लिख रहे हैं वो एक बंदे ने नहीं पढ़ना, वो कितने ऑफिस में जाना है, कहाँ कहाँ वो घूमना है, तो उन सब का आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्यूचर रीडर्स कौन से हैं,
आपके प्रेजेंट रीडर कौन से हैं और आपके जो मेन रीडर्स हैं वो कौन से हैं। तो उन सब के जहन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, उन सब के जवाब आपने अपने खत में लिखने हैं। कंटेंट पर फोकस रखना है आप लिखते वक्त। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप इंक्लूड करेंगे वो ठीक है, लेकिन वो ओवरलोडेड ना हो, यानी कंप्लीटनेस भी हो उसके साथ साथ कंक्रीटनेस भी हो, जैसे कि सेवन सीज में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया था। एक चैनल मीडियम आप इस्टेब्लिश करें कि किस डिपार्टमेंट में आप भेज रहे हैं, किस डिपार्टमेंट से भेज रहे हैं, ठीक है, ताकि जब चैनल मीडियम इस्टेब्लिश हो गया होगा ऊपर तो सीधा पता होगा कि ये इस मीडियम के लिए ये लेटर लिखा है, इस चैनल ने ये लेटर लिखा है। तो क्या पर्पस हो सकते हैं बिजनेस मैसेज के? दो पर्पस हो सकते हैं, एक हो सकता है इन्फॉर्म करना, एक हो सकता है प्रस्यूट करना, और एक हो सकता है कोलेबरेट करना। इन्फॉर्म करने का मतलब ये होता है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं अपने रीडर को। प्रस्यूट और कोलेबरेशन भी दो अहम मकासद हो सकते हैं बिजनेस मैसेज को लिखने के लिए। स्पेसिफिक पर्पस के एक ये तो जनरल पर्पस है, इसके अलावा एक स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये तीन चीज़ें ही हो सकता है कि आप कुछ हटकर बात करना चाह रहे हो, आपका पर्पस कोई स्पेसिफिक एक पर्पस हो जो ना कोलैबोरेशन में आए ना वो परस्यू में आए ना इंफॉर्मेशन हो, बल्कि कोई स्पेसिफिक पर्पस हो। वो डिपेंड करता है आपके आइडिया पर, आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जनरल पर्पस होता है टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करना। तो स्पेसिफिक पर्पस ये होता है कि आप वाइस प्रेसिडेंट जो है मार्केटिंग का, उनको सेल्स फिगर प्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये कोई एक इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो आप ये स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक स्पेसिफिक पर्पस है। अपने पर्पस को आपने टेस्ट करना है, वो कैसे करेंगे? उसको टेस्ट करने के लिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका जो पर्पस है वो रियलिस्टिक है, क्या आपका जो पर्पस है उसमें कोई मेजर या रेडिकल चेंज तो नहीं है, क्या ये इम्प्रूविंग है, क्या ये इस टाइम के लिए ठीक है, क्या टाइमिंग मैटर करती है, ये सब चीज़ें, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये काम कर सकती है, क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, आपके आपकी आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है इस काम के हवाले से। तो ये पर्पस बड़ा ही इसको टेस्ट आपने ज़रूर करना है इन सवालों से। ऑडियंस एनालिसिस भी आपने करना है। आपने लिखने के बाद ये सोचना है कि ऑडियंस आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकती है, और आपने फिर उनके जवाब अपने लेटर में तलाश करने हैं। और अगर सब मौजूद हो तो आपको फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछ सकते हैं कि तुम कौन हो, यानी इसका मतलब आपको लेटर में अपने बारे में बताना पड़ेगा। फिर इसके अलावा जो जो ऑडियंस है उनका क्या रिएक्शन आ सकता है आपके मैसेज को सुनकर, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्राइमरी ऑडियंस कौन सी है, कौन कौन से लोग आपका मैसेज पढ़ेंगे। क्या आपका मैसेज जो पढ़ेंगे वो टेक्निकल लोग होंगे या फिर वो वर्कर्स होंगे, लेबर होंगे? क्या आपका लेटर जो पढ़ रहे होंगे वो एक CEO होगा, एक मैनेजर पढ़ रहा होगा? या आपको पहले अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको ऑडियंस को एस्टिमेशन जो उनके रिएक्शंस है वो आपको सोचने पड़ेंगे कि फलाना बंदा जो है वो ये रिएक्शन दे सकता है, फलाने बंदे के जहन में ये सवाल आ सकता है। तो उन सब सवालों का जवाब अगर आप तलाश नहीं करेंगे तो आपका लेटर जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ऑडियंस के साथ एक रिलेशनशिप आपको डिफाइन करनी पड़ेगी और अपनी क्रेडिबिलिटी भी उनके सामने रखनी पड़ेगी। तो अपनी ऑडियंस के इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए उससे आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इस सब सवालों के जवाब आपको उनको देने पड़ेंगे। इसमें जो चीज़ें हाईलाइट की सिर्फ समझ नहीं है आपने, और इन्हीं पॉइंट्स को आपने पेपर में लिखना होता है अपनी वर्ड्स में। इसके बाद इन सब क्वेश्चंस का हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ इज़ द इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, इन सब बातों का जवाब आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में शायद, कि फाइव डब्ल्यूज़ जो है उनके आंसर्स, और ये हाउ उसमें आ गया है, और इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं है। यानी आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि आपने सब चीज़ें बताकर प्रूफ भी देना है कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस सोर्स से ली है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस सोर्स से ली है। इसके बाद अपना मैसेज आपने इस तरह बनाना है कि उसको आसानी के साथ कंप्रीहेंड किया जा सके, यानी उसको समझा जा सके आसानी के साथ। तो आप उसके लिए समरीज के ज़रिए, ठीक है, ओवरव्यूज के ज़रिए, हेडिंग्स, लिस्ट, इनक्लोजर्स, अपेंडिक्सेस, हैंड्स आउट, चार्ट्स, ग्राफ्स के ज़रिए आप अपने मैसेज को कंप्रीहेंड बना सकते हैं। अपना मेन आइडिया ज़रूर इस्टेब्लिश करें, क्योंकि मेन आइडिया जो है वो आपके ऑडियंस के लिए बड़ा ही आसान होगा। वो जब आपका मेन आइडिया समझ आएंगे
तो फिर वो पूरा लेटर समझना आसान होगा, लेकिन मेन आइडिया समझेगी नहीं तो फिर बात समझ नहीं आएगी। इसके बाद ये बताना, मैं आपको एक एक्स्ट्रा मालूमात देता चलूँ, कि आपका जो मैसेज है वो एक ही आइडिया के साथ स्टिक भी होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी एक बात किसी आइडिया के बारे में हो, अगली बात दूसरे आइडिया पर हो। दूसरे आइडिया के लिए आपको एक दूसरा लेटर लिखना चाहिए, एक ही लेटर में 6-7 आइडिया नहीं डालने चाहिए। लिखने के लिए आप ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करें। ये वो टेक्निक्स है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि ब्रेन स्टॉर्म टेक्निक्स क्या होती है। इस तरह से इन टेक्निक को इस्तेमाल करके आप रीडर का दिल जीत सकते हैं स्टोरी के ज़रिए। एक स्टोरी के ज़रिए आप ऐसा लेटर लिखें जिसमें स्टोरी बता रहे हो, लिस्ट बता रहे हो, वर्कशीट इसमें शामिल हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, जर्नलिस्ट अप्रोच हो। तो इस तरह से जो रीडर है वो आपकी बात ध्यान से इस तरह समझेगा और कंप्रीहेंड भी कर सकेगा। स्कोप को लिमिट करें। स्कोप को लिमिट करने का मतलब ये है कि आपका जो मेन आइडिया है वो पूरे मैसेज में आपको नजर आना चाहिए, इसके अलावा आपका दूसरा आइडिया ना हो, स्कोप आपका लिमिटेड हो। यानी आपका जो चैनल और मीडियम है उसका बताओ आपको कि किस चैनल के ज़रिए आप भेज रहे हैं और क्या मीडियम होगा आपका। इन चैनल भी आपका अप्रोप्रिएट हो कि आप किस मेन ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, किस डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, किस ऑफिसर को लिख रहे हैं। मीडियम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होना है होता है कि आपका मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कि आप ओरल मीडियम यूज़ कर रहे हैं, रिटन या इलेक्ट्रॉनिक। खैर ऊपर जितनी बातें थी वो हमने रिटन के हवाले से ही की थी। इसके अलावा ओरल भी तरीका है। ओरल में ये होता है कि आपको इमीजिएट फीडबैक मिल जाता है। अगर आपकी बात अगला बंदा समझ रहा है तो उधर बैठा बैठा ही वो आपको क्लैप कर देगा, नहीं समझ रहा तो उधर बैठा बैठा ही आपकी आपकी बात को वो निगलेक्ट कर देगा। और वो ये होता है कि इमीजिएट फीडबैक होता है। इसके अलावा ये होता है कि जो ओरल बात होती है उसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, कोई असेंबली नहीं होती। खैर ओरल बात को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे कि ओरल मीटिंग्स को भी हम किस तरह से रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। रिटन मीडियम जो है उसमें हमें इमीजिएट फीडबैक नहीं मिलता, हम एक लेटर लिख देते हैं और कई देर बाद हमें वो लेटर का रिस्पॉन्स मिलता है, कई दफ़ा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो है वो बड़ा ही अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें भी इमीजिएट फीडबैक नहीं मिलता और ये बड़े स्पीडी होता है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें ओरल डिस्टॉर्शन भी कम होती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दोबारा से बात करेंगे बिज़नेस प्लान्स के हवाले से, बिज़नेस आइडियाज़ के हवाले से, और उनको किस तरह से आप मैसेज और लेटर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरह से आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये बात याद रखिए कि ये लेक्चर सिर्फ आपकी एकेडमिक्स को ही नहीं बल्कि आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकता है, आपको एक अच्छी बिजनेस वूमेन भी बना सकता है। कोई भी सवाल हो सवाल ज़रूर पूछे। अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे।